हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने समय देखना सीखा था। आज थोड़ा सा फिर से रिवाइज करके हम समय को कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे, और उसके बाद समय लिखते समय एएम और पीएम का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो ये घड़ी मैंने आपको दिखाई थी, इसमें दो सुइयां हैं, ये मैंने आर हैंड बनाया है और ये मैंने मिनट हैंड बनाया है। थोड़ी देर के लिए मैं इस आर हैंड को 3 पर सेट कर देती हूँ, 3 पर। और इसके बाद अगर आप 12 से शुरू करके ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे निशान लगाए हैं, जैसे कि सभी की क्लॉक में होते हैं। तो इनको गिनेंगे तो 12 से शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5 12 से 1 के बीच में कितने निशान है? 5 निशान है। तो इसका मतलब यहां से लेकर 1 तक, अगर मिनट हैंड धीरे धीरे यहां से चलती है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। 1 पर पहुंची तो कितनी मिनट हो गई यहां पर? 5 मिनट। तो इस घड़ी में अभी फिलहाल क्या टाइम हुआ है? 3:05। ऐसे ही अगर ये आगे चलती है तो 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और ये 10 मिनट। तो अब क्या समय हो गया घड़ी में? 3:10। ऐसे ही ये मिनट हैंड अगर आगे चलती है 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट और ये 15 मिनट। 3 पर पहुंचते ही कितनी मिनट हो गई? 15 मिनट। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी अंक पर मिनट हैंड पहुंचती है, मिनट वाली सुई पहुंचती है, उस अंक को हम 5 से गुणा कर देते हैं। और इसको दिखाने के लिए मैंने इसके नीचे लिखा है 5 मिनट, 2 के नीचे लिखा है 10 मिनट, 3 के नीचे लिखा है 15 मिनट, 4 के नीचे लिखा है 20 मिनट और 5 के नीचे लिखा है 25 मिनट, 6 के नीचे लिखा है 30 मिनट। और अगर मिनट की सुई 7 पर आती है तो हमारे पास कितने मिनट हो जाएंगी? 3:35। 3:35। और मिनट की सुई गई है 8 पर, तो यहां पर कितनी मिनट हो गई? 40 मिनट। 3:40। अगर 9 पर पहुंची है तो ये हो गई है हमारी 45 मिनट। 3:45। और यहां पर 50 मिनट, कितने मिनट? 50 मिनट। अभी हो गए हैं 3:55। कितने हो गए हैं? 3:55। और 12 पर पहुंचती है तो 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट को हम 0-0 से शो करते हैं। तो जैसे ही ये सुई मिनट वाली घूमकर 12 तक आई है तो इतनी देर में 60 मिनट में ये आर वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, 3 से 4 पर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में 1 घंटा पूरा हो गया है। तो अब हमारी घड़ी में कितना समय हो गया है? 4 बज गए हैं, पूरे 4 बज गए हैं। तो अभी हमने घड़ी में क्या देखा? 60 मिनट में 1 घंटा पूरा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा पूरा होता है। और 24 घंटों में 1 दिन बनता है, 24 घंटों में 1 दिन, यानी कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि समय देखना बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर इस घड़ी में आप देखते हैं तो मुझे सोच कर बताओ कि इस घड़ी में फिलहाल कितना समय हुआ है। तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सही अंदाजा लगाया होगा। इसमें 7 बजकर
और मिनट हैंड जहां भी है उस अंक को हम कितने से गुना करते हैं, 5 से। 7:20 कितनी मिनट, 20 मिनट। 7:20 और एक और गैस करते हैं, अभी बताएंगे मुझे इस घड़ी में कितना समय हुआ है। वेरी गुड, 10:30 10:30। हमें मिनट हैंड वाले अंक को बस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से गुना करना है। तो समय सीखने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने उस क्लास का शेड्यूल लिखा है। तो शेड्यूल लिखने के लिए मैंने बैच 1 इसका समय लिखा है मैंने 6 से 7 बजे तक, और बैच 2 का लिखा है 8 से 9 बजे तक, बैच 3 का लिखा है 11 बजे से 12:30 तक, और बैच 4 का लिखा है 2 बजे से 3 बजे तक, बैच 5 का लिखा है 3:30 से 4:30 तक, और बैच 6 का लिखा है 6 बजे से 7 बजे तक। यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आपने बैच 1 का और बैच 6 का एक जैसा समय लिख दिया है। तो मैंने उसको कहा बेटा ये बैच 1 का समय है जो वो, और बैच 6 का समय है वो, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बैच 1 के समय के साथ AM लगाया है और बैच 6 के समय के साथ मैंने PM लगाया है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये AM और PM होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं AM PM क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है, चलिए इसकी सहायता से AM और PM को समझते हैं। यहाँ ये है जो ये वाला पोर्शन है हमारा रात का है, तो यहाँ रात के 12 बजे से लेकर, और ये है दोपहर का समय, रात के 12 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे तक हम AM लिखते हैं। AM का क्या मतलब होता है, AM की फुल फॉर्म होती है A से एंटे और M से मेरिडियम। एंटे का मतलब होता है पहले और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, तो AM का मतलब क्या हो गया, दोपहर से पहले का समय। AM का मतलब क्या हो गया, दोपहर से पहले। तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हम क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं, है ना, बिल्कुल आसान। तो इसी तरह है, हम दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, फिर से जो ये टाइम होता है इसके लिए हम PM लिखते हैं। PM का मतलब, PM की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम, P की फुल फॉर्म पोस्ट और M से मेरिडियम। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, तो यहाँ पर PM का मतलब क्या हो गया, दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर के बाद जो भी समय होता है उसके लिए हम PM लिखते हैं। यहाँ दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी समय होता है और रात के 12 बजे तक हम क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। तो क्या अब जो मैंने अपना शेड्यूल लिखा है ऑनलाइन क्लासेस का, तो अब आप इस समय को आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा सुबह का है और कौन सा दोपहर बाद का है। तो 0, 6 और ये मैंने 2 बिंदु लगाए हैं, इस 2 बिंदु को क्या बोलते हैं, हम इस 2 बिंदु को कोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलन। और इस फॉर्म में लिखे समय को ऐसे लिखा जाता है, घंटा कोलन मिनट, घंटा कोलन मिनट। तो ऐसे ही मैंने ये समय लिखा है, 6:00 AM, यानी कि 6 बजे सुबह से लेकर 7 बजे सुबह,
ये है। और बैच 6 का समय है 6 बजे से, 6 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक। पीएम का मतलब क्या हो गया, दोपहर के बाद का समय। यहाँ पर बैच 3 का भी आप देखेंगे तो यहाँ पर है 11 AM जो कि दोपहर से पहले का समय है, और 12:30 PM 12:30 हुई है। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, पीएम लिखा है, क्योंकि ये दोपहर बाद का समय है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से ट्राई करें और कोशिश करें कि अभी घड़ी में कितना समय हुआ है। मुझे आशा है कि आपने सही प्रयास किया है, सही सोचा होगा। तो इस घड़ी में कितने बजे हैं अभी, 7:15, 7:15 कितना समय हुआ है, 7:15। एक और कोशिश करते हैं। अभी चलिए एक और कोशिश कीजिए, अभी कितना समय हुआ है। ये आर हैंड कितने पर है, 11 पर। तो 11:25 तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा कि समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में लिखा जाता है। समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में लिखा जाता है, और समय के साथ एएम तब लिखा जाता है जब दोपहर से पहले का समय लिखना हो, और समय के साथ पीएम तब लिखा जाता है जब दोपहर के बाद का समय लिखना हो। एएम का मतलब दोपहर से पहले, और फुल फॉर्म एंटे मेरिडियम। एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम, और इसका मतलब है दोपहर से पहले। पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम, और इसका मतलब है दोपहर के बाद। पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम, और इसका मतलब है दोपहर के बाद। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और हमने ये भी सीखा कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम एएम लिखते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक हम पीएम लिखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पर समय देखने का अभ्यास करिए, और अपने माता पिता और बहन भाइयों को भी एएम और पीएम के बारे में जरूर बताएं।